हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MNQ द मार्केट लर्नर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक पेपर ट्रेडिंग ऐप, जिसकी मदद से आप पेपर ट्रेडिंग कर मार्केट में ट्रेड करना सीख सकते हो। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर चलते हैं और देखते हैं उस ऐप के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में आ जाना है। जैसे ही प्ले स्टोर में आते हैं, आपको सर्च बार में यहाँ पर फ्रंट पेज सर्च करना है। फ्रंट पेज सर्च करते ही आपके सामने फ्रंट पेज ऐप का एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा। आपको इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी ये एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैं इसे यहीं से डायरेक्ट ओपन करता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपको साइनअप के लिए कहेगा, तो आप इसे अपने किसी भी जीमेल आईडी से या फिर अपने फ़ोन से साइनअप कर लीजिए। साइनअप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें ऊपर की साइड में आपको डिस्कवर, वॉच लिस्ट, पोजिशन और परफॉर्मेंस मिलेगा। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। डिस्कवर में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएंगी, टॉप निफ्टी 50 गेनर्स देखने को मिल जाएंगे, टॉप निफ्टी 50 लूज़र्स देखने को मिल जाएंगे, टॉप FNO गेनर्स देखने को मिल जाएंगे, टॉप FNO लूज़र्स, FIDI डाटा, ग्लोबल इंडेक्सेस और हिट मैप, ये सब आपको डिस्कवर में देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं वॉच लिस्ट पर। वॉच लिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स को आप खुद से अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जो स्टॉक्स को आप वॉच करना चाहते हो, उसे अपने स्टॉक में ऐड कर सकते हो। इसे ऐड करने के लिए दोस्तों, सिंपली यहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च में आना है और कोई भी स्टॉक का नाम आपको यहाँ पर डालना है। जैसे अभी हम यहाँ पर सर्च करेंगे HDFC बैंक, हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे HDFC बैंक आ चुका है। HDFC बैंक के सामने जो प्लस का साइन है, इसे क्लिक कर देना है और ये आपके प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको लास्ट में जो आपने अभी ऐड किया है, वो वाला स्टॉक देखने मिल जाएगा। तो आप इसे इस प्रकार ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद यहीं से आप इसे क्लिक करके बाय या सेल कर सकते हो। अगर आपको इसे बाय करना है, तो बाय वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। बाय वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्वांटिटी और इंट्री प्राइस और टाइम फ्रेम, ये तीन चीज़ डालना है जो आप मैन्युअली डाल सकते हो। टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको यहाँ पर 5 टाइम फ्रेम मिल जाएंगे, इंट्राडे, टुमारो, वीकली, मंथली, ईयरली। जो भी टाइम फ्रेम के लिए आपको ये स्टॉक बाय करना है, तो आप इसमें कर सकते हैं। क्वांटिटी में भी आप मैन्युअली आपके फंड के हिसाब से, आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से इसमें क्वांटिटी भी मैनेज कर सकते हो। और प्राइस में भी, जो प्राइस पर आप बाय करना चाहते हो, वो प्राइस मैन्युअली आप इसमें डाल सकते हो। तो ये हो गया था वॉच लिस्ट और बाइंग का तरीका। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं पोजीशन की ओर। पोजीशन में दोस्तों, आप लोगों को जो ऊपर 10 लाख का अमाउंट दिख रहा है, ये वर्चुअल अमाउंट है। इस वर्चुअल अमाउंट से आप रियल ट्रेड कर सकते हो, ये कोई रियल अमाउंट नहीं है दोस्तों। इस वर्चुअल अमाउंट को ही यूज़ कर आप रियल ट्रेड कर सकते हो, आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर पोजीशंस में ऐसा है कि जो भी ट्रेड आपके चालू है, वो सब ट्रेड यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अभी कोई मेरा ट्रेड चालू नहीं है, इस वजह से यहाँ कोई भी ट्रेड आपको नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपके कोई ट्रेड चालू होते, तो यहाँ पे उनका माइनस प्लस जो भी है, प्रॉफिट लॉस यहाँ पर शो करेगा और साथ ही आपका यहाँ पे पोजिशनल PNL भी शो करेगा कि अभी करंट पोजिशन में आपका PNL किस सिचुएशन में है। परफॉर्मेंस में आने के बाद, टिल डेट आज तक आपने कितने स्टॉक्स लिए, बेचे हैं, किस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सब डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यही थे दोस्तों पेपर ट्रेडिंग के लिए एक ऐप, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ वाले सेक्शन में आने के बाद, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सी न्यूज़ और इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा फ्रंट पेज ऐप का रिव्यू, जो कि हमारे व्यूअर्स के कहने पर हमने बनाया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।